सेम वे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ए क्लास के आईपी एड्रेसेस की। थैंक यू। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट अपनी ए क्लास की आईपी एड्रेसिंग, सॉरी सबनेटिंग। फाइन, एक एग्जांपल लेते हैं। ए क्लास में सपोज जो सबसे फेमस एग्जांपल भी है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वही नेटवर्क बिट्स इसमें कितनी है 8, होस्ट बिट इसमें कितनी है 24, सबसे ज़्यादा होस्ट मिलते हैं एक क्लास में। सबनेट मास्क कितना रहेगा इसका .0.0.0, जो इसकी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है 10.0 से लेके 10.255.255.255 तक। मीन्स 10.0 नेटवर्क आईडी है एंड 10.255 आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी है। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि 10.0 में जब आप सबनेटिंग करना चाहते हैं सपोज 11 के लिए, ओके, तो किस तरह से सबनेटिंग आएगी, कैसे सारे स्टेप्स रहेंगे, एक एक करके हम बात करते हैं। फाइन, तो जो फर्स्ट स्टेप रहेगा फाइंड न्यू सबनेट मास्क, तो कैसे निकालेंगे। अब की बार मैं उम्मीद करता हूँ इतना करने के बाद कि आप 11100 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सबनेट मास्क लिखना चाहिए आपको। 8+3 11, टोटल हमारी जो नेटवर्क बिट्स है 11 है, 8 और 3, पहले सबनेट में 8, सॉरी पहले ऑक्टेट में और दूसरे में 3, पहले में जो 8 बिट ऑन थी उनसे मिलता है 255, सेकंड में जो 3 बिट ऑन होंगी उनसे मिलता है 224, थर्ड में सारी ज़ीरो थी तो 0, फोर्थ में सारी ज़ीरो थी तो 0। ये हमारा आएगा नया सबनेट मास्क, पहला स्टेप हमारा। फाइन, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स कितने रहेंगे, है ना। तो यहां पे आप देखिए न्यू ऑन बिट्स कितनी मिली है हमें, 8 हमारी बाय डिफॉल्ट रहती थी पहले, यहां देखिए अभी कितना लिखा है 11, तो 8 में 3 ऐड करा होगा ना हमने, तो 3 हमने नई बिट ऑन की है। तो टोटल नंबर ऑफ सब नेट्स कितने आएंगे हमारे पास, 2^ नेटवर्क बिट्स या ऑन बिट्स, न्यू ऑन बिट्स 2^3, इट विल बी 8। 8 नए सबनेट आपको मिलने वाले हैं इस सबनेटिंग से, राइट। थर्ड स्टेप क्या है कि फाइंड न्यू होस्ट कितने मिलेंगे, तो यहाँ से आप देखिए ऑफ बिट्स कितनी है या फिर होस्ट बिट्स कितनी है, तो 11 ऑन है, टोटल होती है 32, बची कितनी 21, ये देखिए। तो टोटल सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट को मिला के सॉरी हमें मिलती है 21 बिट्स। सेकंड में है 5, थर्ड में है 8 और फोर्थ में है 8, 8, 8 और 5, 21। फाइन, अभी आप देखिए इन होस्ट बिट्स से अपने को टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने मिलने वाले हैं, वही सेम फॉर्मूला 2^ नंबर ऑफ होस्ट बिट्स 21। तो आंसर विल बी, जो भी होगा आप देख लेना, कोई कैलकुलेट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। फाइन, फोर्थ स्टेप क्या बोलता है, फाइंड आईपी रेंज। उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास, तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ अभी, तो आई होप कि आपको फॉर्मूला याद है, आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 255 में से जब 255 माइनस करेंगे तो 0, 255 में से 224 माइनस करेंगे तो 31, देन 255 में से 0 माइनस करेंगे तो 255, अगेन 255, दिस इज़ द फोर्थ स्टेप। तो ये हमने रेंज निकाली है, मीन्स कि पहला ऑक्टेट तो चेंज होगा ही नहीं, क्यों, ऑब्वियस है, क्योंकि आप सबनेट मास्क देखिए 255 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे तो आप होस्ट कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, जहाँ पे 255 के अलावा कुछ भी है उन पार्ट में ही आप होस्ट चेंज कर सकते हैं। ए क्लास है तो तीनों पार्ट जो बचे हैं इनमें आप चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट था इतना एक ही नेटवर्क के अंदर वो नहीं कर पाएंगे, अलग अलग नेटवर्क में कर पाएंगे ऑब्वियसली। कैसे करेंगे, सो लेट्स डाइव इनटू फर्स्ट सबनेट। आपका फर्स्ट जो सबनेट बनेगा वो क्या रहेगा, तो बेस नेटवर्क क्या है आपका 10.0, इसमें आप रेंज जोड़ेंगे 0.31.255.255,
ओके, तो क्या बना हमारा, ये मैं अगर इसको लिखता हूँ यहाँ पे और एंटर करते हैं, सो इट विल बी 10.0 से लेके, ये नेटवर्क आईडी है, और 10.31.255.255 ये पहले सबनेट की है ब्रॉडकास्ट आईडी, और जो इसकी वैलिड रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 10.1 से 10.31.255.254, ये इसकी लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस है पहले वाला नेटवर्क के लिए, राइट. तो सेकंड सबनेट क्या बनेगा, यहाँ से अगर मैं लिखूँ, अगेन ये मैं अगर कॉपी करता हूँ 10. चलिए वैसे ही लिख लेते हैं, कॉपी, हाँ इस वाले से, ये था ब्रॉडकास्ट आईडी पहले वाले नेटवर्क की. तो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि जो अगला नेटवर्क होगा उसकी जो नेटवर्क आईडी होगी पिछले वाले सब नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट आईडी से नेक्स्ट नंबर होगा. तो रूल क्या बोलता है कि ये जो 255 था, ये ब्रॉडकास्ट आईडी थी ना, तो 255 अपने आप को क्या कर देगा, ज़ीरो, और सामने वाले में एक ऐड करेगा. तो ये 255 से हुआ ज़ीरो, तो इसमें वन ऐड करने का मतलब ये भी तो 256 नहीं हो सकता ना, तो ये भी अपने आप को कर लेगा ज़ीरो और इसमें वन ऐड होगा. तो नेटवर्क आईडी विल बी समथिंग लाइक दिस, 10.32.0.0, समझिए आप ज़रा, ठीक है. और ये कहाँ तक जाएगी आपकी, जब इसमें आप रेंज ऐड करोगे, प्लस रेंज क्या थी, 0.31 डॉट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, थोड़ी सेंस यूज़ करनी है, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे पेन कॉपी लेकर बिल्कुल अच्छे से बैठेंगे तो आई होप कि यू विल गेट इट, इतना भी मतलब आउट ऑफ द हेड नहीं है. फाइन, तो जो नेटवर्क आईडी थी वो ये बनी, और जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी रेंज ऐड करने के बाद वो बनेगी कुछ इस तरह से, 32 में 31 ऐड करोगे तो 63.255.255, लाइक दिस, राइट. सो दिस इज सेकंड सबनेट. आप निकाल सकते हैं थर्ड, आप निकाल सकते हैं फोर्थ, आप निकाल सकते हैं कि किस सब नेटवर्क में कौन सी वैलिड रहेंगी, लाइक इसमें वैलिड कौन सी रहेंगी, 10.32.0.1 से लेके, राइट, और 10.63.255.254 तक, इस तरह से रहेगा आपका. तो थर्ड, फोर्थ, फाइनल अगर आप चाहें, जैसे मैं बात करूं एट्थ सबनेट क्या होगा, एट्थ सबनेट, राइट, तो वो आपका बनेगा, सबनेट मास्क आप लिखिए, सॉरी ब्रॉडकास्ट आईडी 10.255.255.255, इसमें से आपको माइनस करना है क्या, आपकी रेंज, फाइन, 10.224.0.0, लाइक दिस, इट्स एज सिंपल एज दैट, कि आपको जस्ट क्या करना है, ये जो ब्रॉडकास्ट आईडी थी इसमें से ये वाली रेंज माइनस करनी है, राइट, ये जो हमने निकाली है ये वाली, दैट्स इट. सो दिस इज़ द वे आप कैसे एक क्लास की सबनेटिंग निकालते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. इसको मैं अभी वीडियो को यहीं रोकूंगा ताकि एक और वीडियो मैं बना सकूं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स की बात करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन लेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन और उन्हें सॉल्व करेंगे, उसी के ऊपर वो पूरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो